मेरा बच्चा गार्डन में होगा, उसे वापस ले आओ, कुछ नहीं हुआ उसे। ये आवाज उस माँ की है जिसके 12 साल के बेटे को अफजल और इरफान नाम के युवक ने बेरहमी से मार डाला। 12 साल के मयंक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके ही दोस्त उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुंबई से सटे मीरा रोड से ये दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है। 12 साल के एक बच्चे की उसके ही दोस्तों अफजल और इरफान अंसारी ने फरौती के लिए हत्या कर दी और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बेरोजगार बताए जा रहे हैं और मृतक मयंक के साथ अक्सर सिगरेट पिया करते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पहले मयंक को अपने साथ सिगरेट पीने के लिए हाईवे पर बुलाया और मयंक के ही फोन से उसकी मां को फोन कर फिरौती की रकम की मांग की। दोनों आरोपियों ने मयंक के परिवार से 25 लाख की फिरौती की मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि मयंक अभी नया है और इस वजह से उसके घर वाले काफी अमीर है। लेकिन पैसे ना मिलने के बाद इन दोनों आरोपियों ने मयंक को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले के सामने आने के बाद मयंक के परिवार वाले और क्लस्टर बिल्डिंग के रहवासियों में रोष है और वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ पागल सी हो गई है और अपने बेटे की तलाश गार्डन में करते हुए वहाँ से उसे आने के लिए कह रही है। इस माँ का रोना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मामले पर मयंक के पड़ोसियों ने क्या कहा, ये जानते हैं। हमको जान ही चाहिए और हम जाएंगे, हम वहीं पे खड़े रहेंगे, रैली लेंगे, हम लोग सब पूरी बिल्डिंग सबके सब लेके जाएंगे। एक बच्चा गया है, लाइफ है ये, जिंदगी इतनी इजी नहीं होती है। जान के बदले जान ही चाहिए हमें, जान के बदले जान ही चाहिए। मयंक के पड़ोसियों का रोष देखा आपने। मयंक के दोनों कातिलों को अब फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। काशीमेरा पुलिस स्टेशन ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ मयंक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब इस मामले में फैजल और इरफान को कौन सी सजा दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।